सदर तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हाल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम सदर गौरव सिंह सौगरवाल ने किया। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्य रूप से मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर और आईजी व डीआईजी रेंज राजेश डी मुदक ने पहुंचकर फरियादियों की फरियाद को सुना और उसके निस्तारण के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। इस मौके पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि टीम भावना के साथ आपसी सामंजस्य बैठाकर संबंधित अधिकारी फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण करें, जिससे लोगों को समय से न्याय मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी डीआईजी राजेश डी मोदक और मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, परमेश्वर को सोलह दरबार हजरत पे कब्जा कर लिया है। रजिस्ट्री पेपर हम करते कई बार मांगे फिर इसको भर लिया खतौनी बनाने के लिए। पिछली खतौनी राजस्व कुछ निरस्त और राजस्व कुछ तहसील दिवस में आया हूँ, प्रॉब्लम आई है तो पता लगा जो नाम से करा दिया है सरकारी जो वही सवा दो के नीलम कौन है आप? हाँ बताएं क्या समस्या है? नहीं हमारा दुकान नहीं है, उस समय फर्जी चेक कर कौन है देखभाल कौन है देखभाल क्या समस्या है आपको बताएं क्या बारे में? आपने किसी को शिकायत, आप पहली बार शिकायत करने आए हैं? कहीं पर आपने शिकायत की? हाँ सर एसपी मैम। क्या हुआ है आपकी जमीन जो है? मेरे पति पति कहाँ है? घर आपके पति ने आपकी जमीन किसको लिखी? सब चेक दे दिए हम लोग। हाँ वो ने चार दिन में भर जाएगा, हमारी चाबी थी हमारे घर आई थी। हाँ तो आपके पति क्यों नहीं आया आपके साथ? सर पूरा मतलब पीता बहुत ज़्यादा और लोग बुला रहे बार बार बोल रहे हैं कि 10-5 हज़ार ले लो समझौता कर लेंगे। हमने 270,000 इकट्ठे किए थे, बाद में बोल रहे हैं कि कहाँ कोर्ट कचहरी जाओगे हम देखेंगे। बोला था नहीं सर कुछ भी फोन नहीं हो। यदि आपकी ज़मीन है पति जाके किसी को बेच देते हैं वो भी तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। कल को आपकी पत्नी आके जनता को बोले कि नहीं नहीं मेरी पत्नी गलत कह रही है, तब क्या होगा? सर चेक दिया था बोला एक हफ्ते में क्लियर होगा। आपकी शिकायत क्या है? चेक फर्जी है? फर्जी है ये कहिए ना, चेक फर्जी है सर। एसएचओ साहब इसमें देख लीजिए, ये इनको माफ़ कर दीजिए सर। देख लेते सर की पति से बात कर लेता हूँ। आप रमेश शर्मा है, आपने ये जमा किया? हम अपने जमा करदाओं में जमा करवाए हैं, अपना नहीं।
अच्छा, आपने लोगों से लेके वहाँ जमा कराया, आप वो क्या कह रहे हैं? हमको सब परेशान कर रहे हैं, टाइम पूरा हो गया, सब संस्था द्वारा भुगतान नहीं दिया जा रहा है, हम काफ़ी डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। हमको इसमें तो यहाँ इस स्तर से करना बड़ा संभव नहीं है, लेकिन मैं ये कोई कहता आपको 15% इंटरेस्ट दे देगा, मांझी पांडी आती है उसके चक्कर में गरीबों का मेहनत का पैसा चला जाता है। सरकारी बैंक जो है, PSU बैंक है या सरकारी PSU हैं, LIC है या जो भी है, उसमें पैसा डलवाना चाहिए। हम लोगों को क्या बात है, SBI सारे बैंक खुले हुए हैं, और इसको लेके मैं बताऊँ कि सारा इंडिया का केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, और इस प्रकरण में हम लोग इसमें पहले से क्या मैंने SSP साहब को माफ किया है, इसमें शासन स्तर से पत्र जाना चाहिए ठीक है, लेकिन इसमें आप बहुत जल्दी ये सोचें कि बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा, कुछ होने की संभावना नहीं। कोई सुनवाई मुझे नहीं हुई, और मास्क प्रॉपर लगा लें बता सकते हैं। ये आपका अलग 16 चल रहा है, और ये साहब यही कह रहा हूँ इसको जल्दी से जल्दी करा दें, जिससे कि आपको कुछ मिल जाए, जिससे कि आपका जीवन यापन चल सके, है ना? नहीं नहीं, इसमें इसको कुछ करा देंगे, संपत्ति वाले सड़क पर चला जाए, बिना संपत्ति वाले घर में आनंद से रहे, घर परिवार का घर रहा है, आप मुझे जैसे घर पाँच बजे में है, अब मैं घर का गिर जा रहा हूँ, बस पाँच लड़के की लड़के के नाम मोबाइल नंबर, आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, ये बुलाएंगे एक बार, सबको बुलाएंगे, अरे आप निश्चिंत रहेंगे, बुलाएंगे, नहीं होगा तो मैं बुलाऊंगा, मैं अपने खेड़ा चार के घर रहा हूँ ठीक, सब लोग की संपत्ति है, अलग इसके है वो आनंद से रहा है, ठीक है बुलवाएंगे आपको, बुलाइए जब वहाँ पैमाइश होता है तो बड़ा दुनिया करते हैं, प्रशासन भी जाती है, उसके बाद जो होगा वही गाँव सब वहाँ तैयार सब काजे आने जाने सब कोई पानी खोले सर, कितना साल लगेगा सर? कौन कब्जा कर रहा है? कौन कर रहा है कब्जा? आपकी जमीन पर कब्जा कौन कर रहा है? नाम लिखा हुआ, अरे कब्जा आपकी जमीन पर कर रहा है तो नाम इसमें क्यों लिखा, आप बताइए ना, कई लोग हैं, क्या नाम विनोद है, कई लोग हैं नाम लिखा ऐसे ही किसी से, और जिसका नाम दे रहे हैं वो लिखा भी नहीं है, देखिए निर्देश तो यही है, बहुत ही क्लियर कट आपको नाम दे पाएंगे? कमिश्नर साहब ने बताया कि जो भी इस तहसील दिवस में कंप्लेंट आती है उसकी आज ही जांच हो जाए, या तो एट द मोस्ट कल तक ज्वाइंट टीम जाके जांच हो जाए, उसमें कार्रवाई हो जाए,
लेकिन साइन कर जैसे अभी अजीम साहब बता रहे थे कि कुछ कुछ मामले ऐसे हैं कि वहाँ पे जॉइंट टीम जाने के बाद भी निस्तारण नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में हमने कहा है कि आप उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें, अगर मुकदमा लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें मुकदमा भी लिखें, क्योंकि तहसील दिवस में भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर वो आदमी जाएगा कहाँ। तो ऐसे केसेस ज़्यादा नहीं हैं, हमने देखा कि पुलिस की पेंडेंस से भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर एक दो केसेस है तो उसमें बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही निर्देश है कि इसलिए हम लोग कमिश्नर साहब और मैं ऐसे आजकल ऐसे तहसीलों में जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा जाना नहीं होता है, कि जो दूर की है जो या ऐसी जगह बनी है जहाँ पे हम लोग नॉर्मली जाते नहीं हैं, तो हम सारी तहसीलें अभी कवर कर रहे हैं और बाकी निस्तारण ठीक है। सर, प्रधानी का चुनाव भी आने वाला है और प्रधानों की समस्या भी समाप्त हो गई, इसको लेकर के काफ़ी विपक्षी भी इस तरह के अभी अभी दो मिनट पहले एक इस तरह की कंप्लेंट आई थी कि वो प्रधान के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर रहा था और वहाँ पे मारपीट भी हुई थी, तो ये मेरे निर्देश मैंने दिए कि वहाँ पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। CEO को मैंने कहा है कि आप जाके इसमें जाँच करें, तो जहाँ जहाँ ऐसे केसेस हैं वहाँ पे उसको सख्ती से निपटना होगा और न्यूट्रल जांच और प्रॉपर जांच होने के बाद उसमें प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी वो आगे उसको रोका जा सकता है। तो हमारा निर्देश यही है, बड़ा क्लियर कट है कि उसमें पेंडेंसी अगर रहेगी तो उसमें आगे मामला बढ़ेगा, तो उसको तत्परता से हैंडल करके तुरंत कार्रवाई। देखिए, तहसील दिवस जैसा कि आपको पता है कि हम और IG साहब मंडल के चारों जनपदों की तहसीलों में जाते हैं और आज हम लोग गोरखपुर सदर में हैं, और बेसिकली राजस्व एवं अन्य विभागों की जो भी शिकायतें हैं हम लोग का लक्ष्य ये होता है कि उसको आज ही के दिन उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करें, जनता को जनमानस को बार बार ऑफिस और ना जाना पड़े, तो ये प्रयास है। उस प्रयास में कई आज शिकायतकर्ता आए हुए हैं और हम प्रयास करते हैं कि सभी विभागों में आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए उनकी शिकायतों का समाधान ठीक तरह से जल्दी से जल्दी हो।